किसी भी काम को शुरू करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके समय और परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हों। आप जहाँ हो, जैसे हो, जो भी हो, आपके पास जितना भी है उसी से ही शुरू करें। बिना समय गवाए दुनिया के बड़े से बड़े आविष्कारों की शुरुआत, दुनिया के बड़े से बड़े व्यापारों की शुरुआत कहीं ना कहीं छोटे से ही हुई थी, क्योंकि सही समय, साधन और अनुकूल परिस्थितियों के इंतजार में केवल सोचते हुए समय बिताने वालों को उतना ही मिलता है जितना बिना समय गवाए कोशिश करने वालों अक्सर छोड़ देते हैं। क्योंकि सोचने में तो लगता है कि हमारी जीवन बहुत ही लंबा है, अभी बहुत समय बाकी है कुछ करने की, लेकिन जी तो पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत गया और कहां बीत गया और हम क्या कर सकते थे वो समय रहते हैं। ये समय बिल्कुल रेत की तरह है, जो हर पल हाथों से फिसलता जाता है, जो रुकता नहीं बस बदलता जाता है, लेकिन उस बदलते वक्त के साथ आपकी जीवन बदलेगा कि नहीं वो उस बात पर निर्भर करता है कि आप वक्त रहते आप उस वक्त की कितनी इज्जत, वक्त रहते आपने अपने सपनों के लिए कितनी कोशिश, कितने संघर्ष किए, कितने मुश्किलों का सामना किया। समय मुफ्त है, बिन मोल है, लेकिन ये भी सत्य है कि ये समय इस संसार में सबसे ज्यादा अनमोल है। आप ना इसे खरीद सकते हो, ना उसे पैदा कर सकते हो, और ना ही आप आपके पास रख सकते हो, लेकिन आप इसे जैसे चाहें खर्च कर सकते हो, और इस बात पर आपकी भविष्य भी टिका रहता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उस समय को कैसे खर्च करेंगे। उसमें कि सिर्फ अब प्रेजेंट टाइम में कुछ टाइम के लिए आपको खुशियां देती हो, जैसे पबजी, व्हाट्सएप, फेसबुक की तरह, उसी टाइम सिर्फ उसके ऊपर, या फिर अपने सपनों के रास्ते पर जहां मुश्किलें भी होगी, मंजिलें भी, जहां चुनौतियां भी होगी, लक्ष्य पाने की आशाएं भी, जिन पर चलकर आप पा सकते हैं अपने सपनों को, जो दे सकता है आपको जीवन भर की खुशियां। सही समय के इंतजार में बैठे रहेंगे तो समय हर वक्त समस्या बन के रह जाएगा, और खुद के ऊपर विश्वास किया अपने सपनों पर निरंतर प्रयास करेंगे तो समय ही आपकी समस्याओं का सबसे बड़ा समाधान हो जाएगा। याद रखिए, समय सिर्फ आपके पास आज का ही है। ये इंतजार मत करो कि अच्छे समय कब आएगा तब आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि समय कभी आता नहीं है दोस्तों, यह निरंतर जाता रहता है, उसके साथ उम्र भी बढ़ता जाता है और समय भी घटता जाता है। आप कभी सही समय की इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास गवाह है, इतिहास रचाने वालों ने कभी भी समय की इंतजार नहीं की, सही समय की इंतजार नहीं की, क्योंकि समय की इंतजार करने वाले तो इतिहास पढ़ते हैं, बनाते नहीं।